नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सस्ती और हेल्दी लौकी की बर्फी, जो हरी भरी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज हम बनाएंगे, बिना मावा के, बिना चाशनी के। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली लौकी की बर्फी। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.25 किलो घिया लिया है। घिया को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसको सब छिलकों को उतार लेना है। यहाँ घिया के मैं इस तरह से मैं छिलके उतार लूंगी सारे। अब इनके मैं को 4 फांक करनी है इस तरह से। यहाँ 2 हिस्सों में करके मैं 4 फांकों में काट लूंगी इसे। इस तरह से मैं सारी घिया को छील दूंगी और ये इस तरह से मैंने 4 फांक कर लिए। और फांक करने के बाद हमें बीज का गूदा यूज नहीं करना है, तो यहाँ इस गूदे को इस तरह से हमें निकाल देना है। आप गूदा बिल्कुल भी बर्फी में नहीं डालिएगा। अगर आपने गूदा बर्फी में डाला तो आपकी बर्फी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ हमें लौकी का सारा गूदा इस तरह से निकाल देना है। आप इस गूदे से सब्जी सांभर किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारी घिया को करके रख लूंगी। यहाँ मैंने इस तरह से सारे गूदे को निकाल लिया है। गूदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक कद्दूकस लिया है। ये मोटे साइड से हमें इसे कद्दू करना है। तो यहाँ मैं इसको कद्दूकस कर लूंगी इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने मोटा साइड ले लिया है। और हो सके तो आप थोड़े मोटी वाली घिया लीजिए, जिससे कि 4 पीस हमारे मोटे मोटे कटे और जिससे कि घिया हमारी लंबी लंबी लच्छे बने। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये आपकी घिया बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ही बनेगी। इस तरह से हमें सारी लौकी को घिस लेना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। लौकी को इस तरह से लच्छे वाले घिसना है। यहाँ मैं सारी घिस कर रख लेती हूँ। यहाँ मैंने सारी घिया को इस तरह से कद्दूकस कर लिया और लंबे लंबे लच्छे मैंने इस तरह से घिसे हैं। बहुत ही, यहाँ देख रहे होंगे कितने लंबे लंबे घिसे हैं। जब ये बनती है तो खाने में बहुत ही क्रंची क्रंची लगती है। अब यहाँ मैंने एक कुकर लिया है। इस सारे घिया को हम कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो इसका पानी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पानी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि घिया में बहुत सारा पानी होता है और बिना पानी डाले ही हमें कुकर में 1 सीटी लेनी है। यहाँ कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है और 1 सीटी लेनी है। 1 सीटी से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद हमें कुकर को खोल देना है। यहाँ मैंने कुकर में 1 सीटी ले ली थी। आप देख सकते हैं ये हमारी 50% ही गली है। हम पैन में पकाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। मैं आज तो ये मैंने इस तरह से, आप देख रहे होंगे ये बहुत ही हल्की सी पकी है, ज्यादा नहीं पकी है ना बिल्कुल गली है, और ऐसे ही हमारे खड़ी खड़ी पीस है। यहाँ मैंने पैन लिया है। यहाँ मैं 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। आप पहले भी घी डाल सकते हैं उबालते समय और बाद में भी। तो यहाँ मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने उबली हुई घिया सारी डाल दी है इस तरह से। गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम कर लिया है और यहाँ मैंने 200 ग्राम चीनी लिए। आप मीठा अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 200 ग्राम चीनी डालूंगी और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसे हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। और बीच बीच में मैं इसे ढक भी दूंगी और इसको चलाती भी रहूंगी जिससे कि ये जले नहीं। तो यहाँ मैं इसको ढक दे रही हूँ और चीनी हमारी मेल्ट होगी और भी पानी बनेगा। यहाँ मैंने इसको 10 मिनट पका लिया था। ये अच्छी तरह से हमारी घिया गल चुकी है और पानी भी और चाशनी आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से सूखने लगा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है। आप चाहें तो घर पे बना रही हो तो ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरह से 5-6 बूंदे ग्रीन कलर की डाल दूंगी। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने कलर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो भी हमारा ये पानी है अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। यहाँ चाशनी अच्छी तरह से और ये पानी हमारा अच्छी तरह से सूख गया है, ड्राई होने लगा है अब ये। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमें मिक्स कर लेना है और इसको चलाते रहना है जिससे कि इसमें गांठें नहीं पड़े। मैंने इसको सारा डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। 1 कप है और वैसे ये 100 ग्राम है तो ये भी हमें डाल के मिक्स कर लेना है। और साथ में ही मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है, इसको भी हमें डाल देना है। ये 1/2 छोटा चम्मच है। इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी। यहाँ अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है और ये मिल भी चुका है और आप देख रहे होंगे कितना गाढ़ा हमारा बैटर हो गया है और ये हमारा पैन से भी बिल्कुल छोड़ने लगा है। और आप देख रहे होंगे इस तरह से, जब तक ये पैन से ना छोड़ने लगे जब तक इसको आप इस तरह से चलाते रहिएगा। अब यहाँ मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। आप यहाँ गुलाब जल एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3-4 बूंद केवड़ा एसेंस की डाल दी है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। अब ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप स्टील की कढ़ाई में बना रहे हो तो इसमें वो चुपकेगा। तो मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, अगर आप ये सब चीज
मिला रही हूँ तो बीच में इसको गैस को बंद कर लीजिएगा और सब चीजों को मिला सकते हैं। उसके बाद आप गैस को चलाएंगे तो आपका चुकेगा नहीं और इस तरह से बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। तो इससे मैंने सब चीजों को मिलाने के बाद 2-3 मिनट तक दोबारा से पका लिया इन सब चीजों को। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे लिए, इसको मैंने अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया था। अब ये वाले बैटर को हमें डाल देना है। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें फैला लेना है। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से फैला लूँगी दबा दबा के। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के एक सार कर लिए, और आप इसे कटोरी की सहायता से भी कर सकते हैं या फैचुला की सहायता से कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको एक सार कर लिया है। अब मैं यहाँ इसको गार्निश के लिए यहाँ पे मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से चांदी का वर्क लूंगी और इसको लगा दूंगी। यहाँ मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है। इसे 2 घंटे के लिए मैं पंखे के नीचे रख दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडी होने के बाद इसको हम काटेंगे। बर्फी को हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, बर्फी हमारी जम चुकी है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। तो यहाँ मैं चौकोर पीस में काट लूंगी इस तरह से। तो ये आप देख लीजिएगा आपको कितने बड़े पसंद हैं, छोटे उस हिसाब से आप काट सकते हैं। तो यहाँ मैं इस बर्फी को इस तरह से काट लूंगी। बर्फी हमारी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनी है। बिल्कुल लच्छेदार बर्फी है। खाते समय आपको एक एक लच्छा आएगा। इसका टेक्सचर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतना बढ़िया है, बिल्कुल बाजार जैसा है। बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फी जमी है इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कैसे हमारे लच्छे निकल रहे हैं। इस तरह से लच्छेदार बर्फी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।